सीन क्लियरली अगर आप इसका स्प्रेड देखेंगे तो स्प्रेड क्लैप्स हो चुका है, एबिटा पर टन 10% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, और आगे जाके इशू यही है कि क्या ये पीक एबिटा है और आगे जाके और नंबर्स खराब आएंगे। वो पैट में देखिए बिकॉज पैट में कुछ इम्पेयरमेंट चार्जेस हैं यूएस कोलमाइंस के एंड अदर थिंग्स, तो आपको वो खराब भी दिखेगा, बट इसमें सबसे जरूरी है स्प्रेड। आई थिंक स्प्रेड खराब हो चुके हैं और आगे जाके भी इशू है कि और खराब होंगे। एस्ट्रेल रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आ रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, 26% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर देखेगा सेल्स आपको, 23% ऊपर वाई एन वाई देखेगा, बट मार्जिन पे प्रेशर है। इवन आप देखिए ग्रॉस मार्जिन जो 40% कभी होते थे वो 30% रह गए हैं, एबिटा मार्जिन 15.5% वर्सेस 18% क्वार्टर एंड क्वार्टर और 23% वाई एंड वाई। तो टॉप लाइन बहुत अच्छा है बट मार्जिन सस्ते मार्जिन खराब है और कोई सस्ता स्टॉक नहीं है कभी भी। आरती इंडस्ट्रीज आई वाज सरप्राइज्ड टू सी क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर्स, यू नो क्वार्टर एंड क्वार्टर ऐसा देखेगा तो कि क्या हो गया आरती इंडस्ट्रीज को, 950 करोड़ का जो एबिटा करता था कंपनी वो 340 करोड़ पे आ गया है, 65% फॉल सिक्वेंशियली इन एबिटा फॉर आरती इंडस्ट्रीज, जो 40% मार्जिन करता था कमजोर हो गए 20% मार्जिन रह गया है, मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर सिक्वेंशियली फॉर आरती इंडस्ट्रीज, तो नंबर्स खराब आए हैं। और ग्लेनमा फार्मा ऑनेस्टली मतलब कभी भी उसने नंबर दिए नहीं है, तो इस बार भी वही हाल था। अगर आप यूएस क्वार्टर सेल्स देखें तो वो 100 मिलियन आई, एक्सपेक्टेड था 110-112 मिलियन आएगी, तो यूएस अच्छा नहीं कर रहा, उसका मार्जिन खराब भी है, एस्टिमेट था 17-18% करेगा, उसके सामने 15% मार्जिन किया। हाइकल तो मतलब आप हम सबको पता है कि यहाँ भी उनका इश्यू चल रहे हैं, तो टॉप डाउन मिस था, अगेन सस्ता स्टॉक नहीं है, बट एबिटा मार्जिन जो 20% होता था कमजोर हो गया 12% हो गया है, मगर इट्स अ टॉप डाउन मिस फॉर हाइकल, जहां पे ना सेल्स आया ना एबिटा आया, कॉस्ट प्राइसेस बढ़ गए हैं, मार्जिन मिस हो गए हैं। जुबिलेंट फार्मानोवा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ क्वार्टर क्वार्टर, बट अभी भी आई थिंक बहुत टाइम है उसको आगे जाने के लिए, तो क्वार्टर क्वार्टर नंबर ठीक थे, ज्यादा अच्छे नहीं थे। और वेल्सपन कॉर्प ऑनेस्टली आई हैव नेवर लाइक दिस कंपनी फॉर सम रीजंस, बट नंबर्स देखें तो आप नंबर्स देखोगे कि इवन सेल्स सर 55% ऊपर गया क्वार्टर क्वार्टर, बट ये एबिटा 40% नीचे कैसे आ सकता है क्वार्टर क्वार्टर, अगर सेल्स आपका 1300 करोड़ से 2000 करोड़ हुआ है बट एबिटा 124 करोड़ से 70 करोड़ रह गया। सो वेरी सरप्राइजिंग, जो मार्जिन 9.5% करता था क्वार्टर क्वार्टर वो 3.5% रह गया, वाई एन वाई तो 12.5% करता था, वेरी वेरी यू नो वेरी वीक सेट ऑफ नंबर्स। आईआईपी इंडस्ट्रीज नेगेटिव एबिटा रिपोर्ट किया सर, गोदावरी पावर एंड इस्पात आई थिंक द बेस्ट इज बिहाइंड द कंपनी, इस बार भी जो 30-33% मार्जिन करता था कमजोर हो गया 27.5% रह गए हैं, तो आपको दिख रहा है कि वो सेल्स में डिपा रही है एबिटा में डिपा रही है, सस्ता स्टॉक है बट सस्ते से यू नो आगे जाके भी नंबर्स खराब दिखते हैं कि हम इस सेगमेंट के आएंगे। RACL गियर टेक आई थिंक अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर फैन ऑफ दिस कंपनी, बट दिस टाइम नंबर्स वर बैड, 25% से मार्जिन 18% रह गए।